बताइए नूर कि आपने बसंत की कुछ खास तैयारी की? Well, actually I was so busy in the movies, so वो जो येलो टाइप के कपड़े तो नहीं मैं बना सकी, लेकिन ईस्टर्न वगैरह कपड़े पहने हैं, लोगों के साथ पार्टीज वार्टीज ज्वाइन की हैं, एंड राइट नाउ आई एम हेयर सेलिब्रेटिंग बसंत. यहाँ पर शहजाद साहब के कहने पर आए हैं हम लोग, लेकिन बिकॉज इतना हेक्टिक हो जाता है काम के साथ कि आपको टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ आप स्पेशली जैसे और लड़कियाँ बनवाती हैं पहले जब हाँ एग्जैक्ट तो वो पहले जब होता था कि फ्री होते थे तब तो बहुत होता था ऑर्गेनाइज करके एवरीथिंग, यू नो यू वेयरिंग येलो हर चीज़ बनवाया. अब ये है कि शूटिंग से थके हुए आते हैं, अच्छा बसंत है चलो पहन लिया और चलो. अच्छा नूर ये बताइए कि दिन रात की रिकॉर्डिंग और इतना ओवरलोड तो कैसे आप मैनेज करती हैं? आई थिंक यू हैव टू डू इट बिकॉज जब आपके ऊपर एक चीज़ पड़ जाती है तो आपको करना पड़ता है, और फेम में आपको फेम हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ता है ना, समथिंग कुछ कहने के लिए या कुछ होना पड़ता है. अच्छा नूर एक बात बताइए कि आपके माशाल्लाह बहुत लंबे बाल हैं और आप डांस भी बहुत अच्छा करती हैं, तो लंबे बालों के क्या राज है और डांस आपने कहाँ से सीखा? लंबे बालों का राज जो है वो तो है मामा को पता है, बिकॉज मेरी फैमिली में बचपन से मेरी मामा के लंबे बाल थे और मेरी नानों के बहुत लंबे थे, उस वजह से लंबे हैं. और डांसिंग आई हैवंट लर्न इट, एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था बचपन से, व्हेन आई वाज 3 इयर्स ओल्ड आई यूज टू डांस लाइक हेल, यू नो आई वाज वेरी फॉन्ड ऑफ डांस और बहुत सी मूवीज़ वगैरह देख के, तो वो कर करके फिर सब कहते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आई थिंक अभी इतना अच्छा नहीं, अभी और इम्प्रूव होना चाहिए.